ग्वालियर पीएचसी के रिटायर्ड इंजीनियर को तलाक के लिए 38 सालों तक का इंतजार करना पड़ा। पहली पत्नी से तलाक के लिए उनका मामला भोपाल के न्यायालय से शुरू होकर विदिशा कुटुंब न्यायालय पहुंचा और ग्वालियर से कुटुंब न्यायालय, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। 1985 से तलाक का मसला 2023 में जाकर सुलझा है। बता दें कि इंजीनियर को अब जाकर एक मुश्त 12 लाख रुपये अपनी पत्नी को देने के साथ विधिवत रूप से तलाक की अनुमति दोनों पक्षों की सहमति से मिली है। बता दें कि रिटायर्ड इंजीनियर भोपाल के रहने वाले हैं, जबकि उनकी पत्नी ग्वालियर की थी। दोनों की शादी साल 1981 में हुई थी। 4 सालों तक पत्नी को बच्चा नहीं होने पर जुलाई 1985 में पति ने भोपाल में तलाक के लिए आवेदन पेश किया, लेकिन उनका दावा खारिज हो गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अब पति पत्नी सहमति से तलाक के लिए राजी हो गए हैं। अपनी पति से तलाक लेने में 38 ईयर्स का समय गुजारना पड़ा। उसके द्वारा अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसके संतान उत्पन्न नहीं होती, तलाक का आधार प्रस्तुत किया गया, परंतु विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचिकाएं खारिज की और इसी तलाक के दौरान उसने पुनर्विवाह कर लिया था। परंतु पिता की रिटायरमेंट के बाद, जो कि पुलिस कर्मी थे, और भाइयों के समझाने के बाद प्रकरण आपसी सहमति से तलाक का प्रकरण तय किया गया।